Hello students, today's our topic is nutrition. So before start the topic, let us talk about our daily life activities. डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. अब फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. इन सारे न्यूट्रिएंट्स से बॉडी को एनर्जी मिलती है. सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इज़ नोन एज न्यूट्रिशन. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च. इनऑर्गेनिक में आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑर्गेनिक में मैंने बोला ग्लूकोज एंड स्टार्च. ग्लूकोज एक सिंपल शुगर होता है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, वहीं स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर है, ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता. सो अब हम सोच रहे होंगे ग्लूकोज सिंपल शुगर है तो हम क्यों ना सिर्फ ग्लूकोज से ही काम चला लें, बट ऐसा नहीं होता है. बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हर न्यूट्रिएंट्स की इक्वली अमाउंट में ज़रूरत होती है. अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक को फर्दर डिवाइड करा गया है सेप्रोट्रॉपिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स फीडिंग. सो हम ये कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. एग्जाम्पल्स लाइक ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. ग्रीन प्लांट्स में फोटोसेंथेसिस प्रोसेस होती है. फोटोसेंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं. कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो बैक्टीरिया और एल्गी, जिनके अंदर कीमोसेंसिस होता है, उनके अंदर कुछ केमिकल सिंथेसाइज होते हैं जिसके हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं. अब बात करते हैं हेटरोट्रॉप्स की. हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉप मीन्स फीडिंग. सो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स. एग्जाम्पल्स ह्यूमन, एनिमल्स. थ्री टाइप के होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सबसे पहले देखते हैं सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑप्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से ऑप्टेन करते हैं. एग्जाम्पल फंजाई एंड मशरूम. पैरासिटिक दैट फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं बट उनको मारते नहीं हैं, जिंदा रखते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पे वो फीड करते हैं उन्हें कहते हैं होस्ट. एग्जाम्पल कसकटा, टेपवॉर्म, राउंडवॉर्म एक्सेट्रा. लास्ट इज होलोजोइक. दे फीड ऑन सॉलिड फूड, इट मे बी आइदर प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट. वो सॉलिड फूड पे फीड करते हैं. एग्जाम्पल मैन, टाइगर, लॉयन. थैंक यू.